राम राम किसान भाइयों, रजत किसान किसान पाठशाला के साथ। तो आज हम आए हैं यूपी लधोरी निकसाना डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। यहाँ पर केले की फील्ड है, सर का खेत है। सबसे पहले हम सर का शुभ नाम जान लेते हैं, सर का परिचय ले लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या हाल चाल है? ठीक है, बढ़िया है जी। अपना शुभ नाम सभी किसानों को बताइए। कमलेश जायसवाल, कमलेश लखीमपुर खीरी जी, तहसील लिघासा जी। ये आपका जो केले का पौधा है, इसके क्या है, हमें थोड़ी जानकारी बताइए कि कैसा प्लाट है, क्या है, कितने बार का है, सेकंड बार का रटून है या फर्स्ट बार का ही है? सेकंड बार का है, सेकंड बार का थर्ड लेने है वाले जी। थर्ड लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, थर्ड लेने की प्लानिंग चल रही है। अच्छा, और कैसा क्या चल रहा है अभी आपका प्लाट, ये क्या क्या परेशानी आ रही है इसमें? सब ठीक है, परेशानी सुनाए ही जी किसानी तो सब थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। जी, आपको ये बंच पर कुछ लग रहा है क्या, काले धब्बे, और ये कुछ बंच को मैनेजमेंट करने में कुछ समस्या आ रही है, बीटल वगैरह की? बीटल बीटल वीटल तो की लग कुछ जाता समस्या है। है ना? तो चलिए आइए, जानते हैं, हम चलते हैं अंदर। बीटल की समस्या आती है क्या यहाँ पे? हाँ, बीटल लगता है इसमें। तो आपको मैं ट्रीटमेंट बता दूंगा क्या लिखना है। बीटल रजत भैया, जी यहाँ पर बीटल की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिली। हाँ, कितने सारे प्लॉट पर गए थे, वहाँ पे फलों में जो धब्बे धब्बे दिख रहे थे, हाँ वही के कारण होते हैं। हाँ, वो तो धब्बे बीटल धब्बे, है हाँ वो तो उसका सबसे सिंपल इलाज है। जी। सबसे सिंपल इलाज है 200 लीटर पानी, उसमें 10 किलो तंबाकू डस्ट डालना है आपको। जी आपको 3 या 4 किलो, 3 या 4 रुपए किलो मिल जाएगी तंबाकू। तंबाकू डस्ट। तंबाकू के बाद एक डस्ट निकलती है वो। 200 लीटर पानी, अच्छा, उसमें 20 किलो तंबाकू डस्ट और 500 ग्राम गोबर और 500 ग्राम अपना गोमूत्र आता है वो ऐड करना है, मिक्स करना है। उसको 2 दिन रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको पूरे इसके ऊपर स्प्रे करना है, तो उससे क्या होगा कि आपको बीटल नहीं आएगी, बीटल की समस्या देखने को नहीं मिलनी। और एक और भी कर सकते हो कि फ्लावरिंग आने से पहले, बहुत ही बढ़िया है, फ्लावरिंग आने से पहले फोरेट जो आता है, फोरेट थोड़ा रेत में मिक्स करने के बाद 5-5 ग्राम या 10-10 ग्राम की पोटली बना ले आप और इनके पत्तों पे बांध दे, तो जो दुर्गंध आएगी उससे, तो उससे बीटल वगैरह की समस्या नहीं आएगी। अभी सर कह रहे कि तीसरी ये प्लानिंग करने वाले हैं। अच्छा, तो किस तरह करें, अपन नेक्स्ट इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। मेंढक मेंढक है, मेंढक है, मेरे को काटा। तो अभी कौन सा रखोगे आप इसमें से? ये पौधा रखना चाह रहे ये। तो आप पूरी फील्ड में घूमे हो? हाँ। आप ये रख रहे हो तो क्या सोच कर रख रहे हो? जिसे इधर फल लगा है, हम्म, एक जब कटाई हुई तो टूटे ना जैसा। अच्छा, से काटा गया, अगर गिर जाती है नहीं तो और भी कुछ चीजें मेजर करते होगे? इधर का जो इस साइड छोड़े तो का वही साइड छोड़ गया जी, मेरा दूरी पर्याप्त नहीं है। इधर आइए, मैं समझा देता हूँ जी। चलिए चलते हैं, समझते हैं किसान भाइयों, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं केले की फील्ड पर। बिल्कुल, आपको आगे चलना है क्या? थोड़ा आगे आ जाओ रजत जी। जी जी, मैं कटी हूँ। ये देखो, यहाँ पर अपन अच्छे से समझ सकते हैं चीजों को। ये पौधा, ये पौधे, ये चार, आप तीसरी कटिंग ले रहे हो, तो इन चारों में से आप कौन सा सिलेक्शन करोगे? ये बड़ा वाला। ये बड़ा वाला क्यों करोगे? बड़ा है तो ज्यादा बड़ा है, बड़ा है तो जल्दी प्रोडक्शन दे देगा जी, मगर वो सही नहीं है। देखा कौन सही है बता देता हूँ। जैसे ये आपने कटिंग करा इसका जी, है ना, तो इसने ज्यादा पत्ते टाइमिंग ले लिया इसका। अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में भी यही समझाया है। अब सर का क्वेश्चन है तो अपन को बताना पड़ रहा है कि क्या ये तीसरी बार कटिंग रख रहे हैं तो जी, जैसे ये दिख रहा है तो इसने ज्यादा पत्ते ले चुका है, ये आपको फ्लावरिंग तो जल्दी दे देगा जी, मगर प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं देगा। केले छोटे आएंगे, बंच का साइज कम बनेगा, उस हिसाब से बंच गेन नहीं कर पाएगा। आपने जो आपके इसमें कई जगह आप देख रहे हो कि कई कई जगह पौधे पे केला अच्छा है, कई कई जगह सकरा है, जल्दी आ जाएगा, प्रोडक्शन भी जल्दी दे देगा। ये उससे थोड़ी लेट आएगा, इसकी मोटाई ना अपना है, मोटाई के हिसाब से देखना है।
कितनी बार कटिंग हो चुकी है रजत भैया? 1 2 3 दिख रहा है ये कटिंग हो चुकी है इसकी। अच्छा ये 3 बार पहले कट चुका है, कट चुका है उससे जीवन तो ज्यादा टाइमिंग ले चुका है ना। हाँ। तो फल ज्यादा जल्दी दे देगा ये। हाँ। तो फ्लावरिंग भी जल्दी आ जाएगी। आपको सबसे पहले पूरी फील्ड में घूमना है, एक जैसा कौन सा है उसका सिलेक्शन करना है, ये उससे अच्छा है, इससे अच्छा ये है, बाद में ये है, उससे अच्छा ये है। अब चारों में से देखना है कि आपको कौन सा है। इसने कम टाइमिंग लिया है ना, इससे तो कम टाइमिंग लिया है, इस 8 से 9 महीना लेगा, प्रॉपर फ्लावरिंग आएगी, वन शॉट फ्लावरिंग आएगी, ये जल्दी आएगी, ये जल्दी आ जाएगी। बंचे उस हिसाब से नहीं बनेगा, माल उस हिसाब से नहीं निकलेगा। सुपीरियर लेना है, एक जैसा लेना है तो पहले फील्ड में घूमो कौन सा एक सरीका है, इस जैसे दिख रहे तो ये लीजिए। यदि सभी जगह ये जैसे सभी जगह ये नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा है, तो फिर इसको ही लो। फिर सभी में एक जैसे आएगा फल, फल भी एक जैसा आएगा, फ्लावरिंग भी एक जैसी आएगी। ठीक है, और कुछ समस्या? ठीक है सर, इसके लिए आप 4 किलो अमोनियम सल्फेट और 4 किलो पोटास हर पौधे को दो, इसके प्रोडक्शन पे इम्पेक्ट पड़ेगा। एक पौधे 4 किलो? 1000 पौधे पर 1000 200 लीटर पानी, 4 किलो पोटास, 4 किलो अमोनियम सल्फेट मिक्स करना है, पौधे के एक साइड रिंग बनाना है और उसको देना है 200 ml प्रति पौधा, समझ गए? तो इसके गेन होगा। ठीक है रजत भैया जी, और कोई क्वेश्चन है क्या आपका? सर का क्वेश्चन था कि पील बाग के ऊपर ये रखने हाँ। वाले थे हाँ। हमने थोड़ा उनको समझा दिया कि इस तरह से रखना, किस तरीके से कटिंग ले रहे हैं जी, है ना। थैंक यू, ठीक है, राम राम किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए किसान पाठशाला से, रजत किसान को फॉलो करिए अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए। राम राम जी।